बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल SRY होम डिकोर। तो आज की वीडियो में हम जो है घर को सजाने के लिए टॉप 10 ऐसे चीज़ें आपको दिखाएंगे कि आप अपने घर को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सजा सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो है हम अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, चार चांद लगा सकते हैं। सबसे पहले है जी, ब्रिंग द आउटडोर इंडोर्स एंड कनेक्ट विद नेचर, कि नेचर के साथ हम अपने घर को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। आउटडोर इंडोर में मुख्तलिफ पौधे लगा के, प्लांट्स लगा के जो है किस तरह खूबसूरत बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इन टॉप 10 जो हम लेके आए हैं आज की वीडियो में, तो आप इनसे आइडियाज़ ले सकते हैं किस तरह आप अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो नंबर 2 पे है डेकोरेट विद हैंडमेड ब्यूटी, के हाथों से बनाई हुई जो है पेंटिंग है और मुख्तलिफ़ किस्म की और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हाथों से बना के जो है आप अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। वो पेंटिंग भी हो सकती है, कुछ सोफ़ाज़ या बेड वगैरह के कवर्स हो सकते हैं। तो इसी तरह है जी, नंबर 3 पे लिविंग इन द 17th century रेट्रो स्टाइल फॉर मॉडर्न टाइम्स, ये मॉडर्न तरीके से जो है घर को किस तरह सजाया जाता है, ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं इसमें। नंबर 4 पे है स्ट्रक्चरल पीसेस एंड काउंटर्ड कवर, ये भी मुख्तलिफ स्टाइल हैं इसमें, ये भी आप यहाँ से अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए जो है आइडियाज ले सकते हैं। नंबर 5 है मैक्सिमलिस्ट असेंबल, वह बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल से जो है ये अपने कमरे को सजाया गया है, बिल्कुल कलरफुल किया गया है, तो आप इधर से भी कोई आइडिया ले सकते हैं। तो नंबर 6 पे है ड्रीमी मिनिमलिज्म, ये कुछ ओल्ड स्टाइल में जो है न्यू स्टाइल के साथ जो है इसका कम्बिनेशन किया गया है, ओल्ड एंड न्यू स्टाइल कम्बिनेशन ज़बरदस्त है ये भी। नंबर 7 पे है चेक्स एंड स्ट्रिप्स, तो नंबर 8 ऑल हेल द माइटी टेबलस्केप, टेबल को किस तरह सजा सकते हैं, किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसी तरह नंबर 9 एक्टिव ब्राइट्स एंड वाइब्रेंट ह्यूज, और लास्ट पे है जी नंबर 10 पे सस्टेनेबल चॉइसेस। तो इस तरह जो है आप मुख्तलिफ स्टाइल देख के जो है अपने कमरों को खूबसूरत बना सकते हैं और इनसे आइडियाज ले सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।